वेलकम बैक चिनोज ब्लॉग एंड कैसे आप, आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी। नहीं हो तो हो जाओ क्योंकि चिनो है तो इतना जरूरी है। तो टाइम हो रहा है 10:04:50 इवनिंग के। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने सोचा आज कुछ नया किया जाए, तो नया यही हो सकता है आज मैं बनूंगा फूड ब्लॉगर। हाँ जी, तो आज मैं भी करूँगा कि भैया आपने क्या डाला, भैया ये क्या है, भैया ये क्या है। हाँ, जस्ट कुछ ऐसा ही। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गाँव की सबसे फेमस चाउमीन, और इनकी दुकान जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर है, मोदी चाउमीन वाले। आइए मिलते हैं। ये कहता हेलो, नको हेलो, वेरी गुड। तो हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांशु है। तो ये चाउमीन कब से खा रहे हो? मैं लगभग 1.5-2 साल से खा रहा हूँ यहाँ पर। स्वाद है नहीं है? स्वाद तो है भरपूर, स्वाद है। वाकई में? बिल्कुल। हाँ जी, आपका नाम क्या है? दीपांशु। कब से खा रहे हो चाउमीन? कम से कम 8 से 10 साल से। इतने साल हो गई? हाँ जी सर। स्वाद है वाकई में? भरपूर स्वाद है। क्या बात है, इतना स्वाद है। आपका नाम क्या है? सचिन। कब से खा रहे हो चाउमीन? 3-4 साल हो गए जी। वाकई में स्वाद है जी, भरपूर है जी, एक नंबर है। एक नंबर चाउमीन है? हाँ जी। मतलब कि स्वाद नहीं आया तो पैसे वापस? हाँ जी, पैसे वापस। क्या बात है। यहाँ की खास बात क्या लगती है? यहाँ की खास बात है कि चाउमीन एक तो बिल्कुल पूरी पकी मिलेगी और बिल्कुल शुद्ध मिलेगी, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं मिलेगी। क्या बात है, तेल में मिलावट नहीं। सही बात।
और हाँ दोस्तों, अगर आप चाउमीन बर्गर खाने के शौकीन हो तो जस्ट मैं आपको एक दुकान बता रहा हूँ, कभी भी आपको मौका मिले, चाहे आप मोदीपुर साइड से सिवाल जा रहे हो या सिवाल से मोदीपुर साइड जा रहे हो, तो आप गेझा गांव के जस्ट सामने इंडिया गेट के सामने, गेझा का इंडिया गेट के सामने ये दुकान है मोदी चाउमीन वाले, तो इन्हें एक बार मौका जरूर दे। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं भी यहाँ बहुत टाइम से खा रहा हूँ, क्योंकि इनकी चाउमीन में एक अलग बात होती है, कच्ची चाउमीन बनाते ये बार बार उसे पकाते हैं, बहुत टाइम तक पकाते हैं, तो एक बार मौका जरूर दें मोदी चाउमीन वाले। तो हाँ अंकल जी, आपका नाम क्या है? मोदी। मोदी कब से दुकान चली है अभी? 10-11 साल हो। मतलब कि लगभग ये बता दो कितने घाट बन जाते हैं दिन में? काफी घाट बन जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं भी देखता हूँ कि यहाँ भीड़ हमेशा लगी रहती है, आप किसी भी टाइम शाम के टाइम आना कभी भी। ये आई थिंक सिवाल का रास्ता है और ये है मोदीपुर का रास्ता, तो एक बार मौका जरूर दे मोदी चाउमीन वाले, ये जस्ट दुकान इनके सामने। अब चलते हैं जस्ट अपने घर। हाँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। और फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं चाउमीन बर्गर रोज नहीं खाता, महीने में एक या दो बार खाता हूँ बस।